एमीटर दिया है पावर इंडिकेटर, ओसी का भी इंडिकेटर दिया है। ये कोई मैस्टेक नाम से है इसलिए शायद ये एमटी नाम दिया है। ज़्यादातर सब असेंबल्ड होता है, सर्किट चला के असेंबल्ड किया रहता है। चलिए इसको खोल के थोड़ा देखते हैं और इसका थोड़ा ब्रीफिंग। चलिए इसको अभी खोल दिए हैं। अंदर का कंपोनेंट्स लेआउट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं आप। पहले तो ये स्विच है आपका, डबल पोल डबल थ्रो, एसी इनपुट्स जो है जाता है ब्रिज डायोड्स को लग के, ठीक है। ये है पावर ब्रिज डायोड है आपका, उसमें दिया होगा स्पेसिफिकेशन 35 एम्पीयर का स्पेसिफिकेशन दिया है। एल्यूमिनियम हीट सिंक देता है उसको ठंडा रखने के लिए, ओके। अब नेक्स्ट है ब्रिज के बाद ये फिल्टर कैपेसिटर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके पहले एक लिंक देते हैं जो कि एक रिले देते हैं, 24 वोल्ट का रिले देता है। उसको लिंक करते हैं कि आउटपुट पावर सप्लाई को पकड़ के लिंक देते हैं। जब ये SMPS चालू होता है तो 24 वोल्ट ऑन होता है, तभी ये पूरा लोड आपका कैपेसिटर्स में आता है, ठीक है। उससे पहले सिर्फ इसको चलाने के लिए ये थर्मिस्टर देते हैं, ये ग्रीन कलर का थर्मिस्टर देते हैं, ये कलर का थर्मिस्टर देते हैं, ठीक है। तो ये थर्मिस्टर एक्रॉस आपका इसमें देते हैं, रिले के अगेंस्ट में देते हैं। इसके बारे में भी हम लोग ड्राइंग करके समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा। और जो है बाकी तो सब एल्यूमिनियम दिखता है। तो ये तो दो आउटपुट हो गया IGBT का, और ये डायोड हो गया रेक्टिफाई डायोड्स, इसके आउटपुट जो है ये रेक्टिफाई करता है। ये आउटपुट आता है, ये ट्रांसफॉर्मर है, आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में ये आउटपुट होता है और सेकेंडरी में ब्रिज होके फिल्टर डायोड से होके ये आउटपुट पॉजिटिव हो जाता है, ये एक रॉड को जाता है और दूसरा जो रिटर्न लाइन जो है रॉड को जाता है, प्लस होके जाता है। इधर ऊपर का प्लस है और ये नीचे का माइनस है, नीचे का माइनस ये नीचे लोड रजिस्टर से रिटर्न आता है और करंट सेंस करने के लिए ज़्यादातर लोड रजिस्टर्स देते हैं, ठीक है। बाकी जो कंपोनेंट्स है ये SMPS पोर्शन है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और तो बाकी जो है जैसे और खोलेंगे तो हम आपको फिर से कंटिन्यू करेंगे। PCB को बाहर निकालने से पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ये एक डिस्प्ले बोर्ड दिया है, ये दोनों कनेक्टर्स दिए हैं, एक पावर का एक OC का और ये कंट्रोल हेड, तो ये सब उसके कनेक्टर्स हैं। ये कनेक्टर कहाँ क्या लगता है बराबर आप नोट करके रखिए, उसके बाद इसको खोलिए। ये दिया थर्मोस्टेट दिया है ओवरहीट होने को प्रोटेक्शन के लिए। ये सर्किट में जाता है, डिपेंडिंग कितना डिग्री में ये कटआउट होता है उसको पकड़ के आपका PWM IC है, PWM मतलब पल्स मॉड्यूलेशन विड्थ, उसका IC है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और विस्तार में देखने के लिए हम PCB को खोलेंगे, आप देख सकते हैं। ताकि बोर्ड को बाहर निकाल लिया है, जब बोर्ड को बाहर निकाल लिया है तो हम आपको बता देंगे इसमें क्या क्या है। देखिए जैसे मैंने कहा था इस पे डायोड्स लगे हैं, तो ये दो डायोड हैं, ठीक है। अब इसके नंबर्स ये एक डायोड है और ये एक डायोड है, ठीक है। और ये है IGBT, ये वाला, दूसरा IGBT इस तरफ लगा हुआ है, हीट सिंक से लग के दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी खोलेंगे डिटेल में तो फिर और थोड़ा देखेंगे और क्या क्या है। हीट सिंक्स को निकाल देते हैं एक बार, ये सब खोल दिया है।
ये वाला एक IGBT जहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ था, इसका हीट सिंक निकाल दिया हूँ। ये दूसरा IGBT का है और ये डायोड्स का हीट सिंक है, उसके जो नट बोल्ट है। ठीक है, ये तो बॉडी पहले का है। अब थोड़ा क्लैरिटी आपको देते हैं। ये देखिए, ये दोनों डायोड है, ये आउटपुट डायोड से। ठीक है, ये डायोड जब डायोड है और ये IGBT है, इसका हीट सिंक का यहाँ पे और दूसरा IGBT उसका हीट सिंक। ये है ड्राइवर है, ये ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर जो है उसका वो ड्राइव करता है ये दोनों IGBT को अलग अलग से। ये दोनों IGBT को ड्राइव करता है ये ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर। उसके पहले एक ट्रांसफॉर्मर है, ये ओवर करंट सेंस करता है। IGBT को करंट जब ज़्यादा जाता है तो उसको सेंस करके उसको रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन IC यहाँ पे 258 करके IC है, जो आपका ऑप्शनल एम्पलीफायर है। ठीक है, ये थोड़ा PCB थोड़ा गंदा इसलिए कि पूरा काम हुआ है, और ज़्यादातर ये लोग PCB में गूंद लगा देते हैं। ये गूंद को हटाने में ये आपको थिनर लगा ला के धो के या धोना पड़ता है काफ़ी। ये आपका ड्राइवर दोनों ड्राइवर MOSFET से ड्यूअल MOSFETs के नाम से है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर नोट कर लीजिए क्या है। इसको जब हम सर्किट दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा क्या है। ये हम आपको बता रहे थे कि 180 एम्पीयर का ये लोड रजिस्टर है, करंट सेंसर भी बोल सकते हैं आप जो है। ओके, ब्रिज डायोड का भी हीटिंग निकाल के दिखाते हैं आपको। और ये PCB देखिए आपको साइनिंग देता है थोड़ा, और साइनिंग देता है। आप जब भी मीटर भी लगाएंगे तो आपको देखेंगे कि मीटर कुछ दिखा नहीं रहा है, इसलिए कि ये इंसुलेटर है, इंसुलेशन जैसे काम करता है ये, आपका वो लगता ही नहीं है इसमें। उसको काम वो मीटर रीडिंग दिखाने के लिए फिर क्या है, इसको थोड़ा स्क्रैप करना पड़ता है या आयरन थोड़ा लगाइएगा तो फिर आप मीटर रीडिंग देख सकते हैं। तो ये इंसुलेशन प्रोटेक्शन दिया है बोर्ड को, इसलिए ये साइनिंग दे रहा है। जहाँ जहाँ काम हुआ है थोड़ा साइनिंग कम है, जैसे ये सब काम हुआ है, ये देखिए ये सब काम हुआ है, ट्रांजिस्टर्स काम हुआ है, डायोड्स काम हुआ है, जो भी है SMPS तो पूरा काम हुआ है। ठीक है, तो जहाँ काम हुआ है वहाँ पे तो सब इंसुलेशन निकल जाता है। ठीक है, ये 24 वोल्ट का रिले है, 24 वोल्ट का रिले है, और स्पेयर्स के बारे में सब बता दिया हूँ मैं आपको। अब ये आउटपुट ट्रांसफॉर्मर्स जो है इसका भी बारे में बता दिया हूँ। अब हम आपको एक ब्रीफ लेआउट पेपर में दिखाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया आएगा, विद स्पेयर्स दिखाएंगे। ठीक है, ये एक IGBT है, ये एक IGBT है, यहाँ पे ये दो IGBT है। ठीक है, इसका जो एक वो जो ड्राइविंग करने के लिए सर्किट से, फिर ये ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर है, इसका नंबर भी मैंने आप यहाँ लिखा है EE19252525। ये वो चीज़ है, देखिए। ठीक है, और ये जो सर्किट्स उसके अगल बगल में जो दिख रहा है वो सब ये सर्किट्स है। ये सर्किट्स, तो ये ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी साइड है, ये दो प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी है, छोटे छोटे वाइंडिंग है। ये प्राइमरी साइड किस साइड का सर्किट्स में नहीं बताया, वो ड्राइव होता है ये दो पुशपुल MOSFET से, ड्यूअल MOSFET से ड्राइव होता है ये प्राइमरी को, इसका प्राइमरी को, इसके सेकेंडरी से आपको ये IGBT को ड्राइव मिलता है। ये IGBT ड्राइव होने के बाद इसका आउटपुट आता है, ये देखिए ये वाला ट्रांसफॉर्मर है, इसका कोई नंबर नहीं है, तो वो ट्रांसफॉर्मर है ये वाला गोल वाला ट्रांसफॉर्मर जो है बड़ा वाला। ठीक है, तो इसका तो फेराइट कोर वाला है, उसका वाइंडिंग्स बड़ा हैवी दिया है क्योंकि आउटपुट डायरेक्ट इसी से जाता है। तो
ये जो ट्रांसफार्मर का ये एक हो गया आउटपुट, ये जो है डायोड से, ये दोनों डबल डबल डायोड है, ये सर्किट्स में ये वो है डबल डबल डायोड है, ये जो डायोड एक प्रोविज़न एक्स्ट्रा डायोड के लिए एक प्रोविज़न दिया हुआ है, यहाँ पे एक डायोड एक लगा सकते हैं, लेकिन दो डायोड से काम चल जाता है, ठीक है। और ये जो मैंने दिखाया है ये लोड रजिस्टर है, जो करंट सेंसर है ये वाला, ये आउटपुट में माइनस को जाता है, ये वो चीज़ है, ये 180 एम्पेयर को ओके, ये सेंटर टैप से 180 एम्पेयर होके अर्थिंग होता है। ये ग्राउंडिंग जो है अलग है, ये ग्राउंडिंग जो है ये आपका जो बेस SMPS है उसका न्यूट्रल के साथ जाके लगता है। उसके बारे में क्यों वो करते हैं वो हम बताएंगे, आइसोलेशन कैसे मेंटेन करने के लिए वो सब करते रहते हैं, ठीक है। और ये एक और एक ट्रांसफॉर्म दिया है आउटपुट से लग के सीरीज में ही, और एक ट्रांसफॉर्म है इसका दिया है UU 10.5 300:1, ये वो चीज़ है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये आउटपुट में ये सीरीज में ये देता है, इसका वो सेंसिंग करता है, ये सब सर्किट से होके सेंसिंग होके मैंने बताया था, ये आगे जाके सर्किट सेंसिंग करता है। तो करीब तीनों ट्रांसफॉर्म इसमें हमने बता दिया है एक लेआउट करके, एक रफ लेआउट, ताकि आपको थोड़ा एक आगे जाके जब मैं इसके बारे में बात करूँगा तो आपको समझ में ईजी रहेगा। ये है 475 कैपेसिटर्स, ये भी 475 कैपेसिटर्स, वो दो कैपेसिटर, ये दो है, ये दो कैपेसिटर दिया, ठीक है। और बाकी और तो कुछ यहाँ ड्रॉ नहीं किया हूँ, जैसे कि ये इसके ऊपर अपन कैपेसिटर रेजिस्टेंस रहता है, सेफ्टी के लिए, ये सर्किट आप देखिए, ये SMPS का सर्किट है, LNK 626 PG, 8-pin IC है, ये वाला, ठीक है। और ये जो आपको दिखता है रेजिस्टेंस से 333 करके, और ये जो नंबर सर्किट से, ये आपको यहाँ पे दिए है। मेरा इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो है फिर वही पावर सप्लाई सेक्शन देखेंगे, वही IGBT SMPS पावर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। हम लोग ने देखा कि ये पावर सप्लाई में हम लोग जो IC यूज़ करते हैं LNK 626 PG, तो ये जो सेट आया हुआ था ये पावर सप्लाई डिफेक्ट था, इसमें पावर सप्लाई डिफेक्ट को हम लोग ने कैसे रिपेयर किया इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये सेट मैंने पहले रिपेयर कर लिया था, वो रिपेयरिंग का वीडियो नहीं निकाल पाया उस वक्त, लेकिन जो 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 काम किया हूँ उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, शायद काम में आएगा आप लोगों को। तो बेसिक जो है वही है जनरल, 220 वोल्ट AC का इनपुट है, ब्रिज रेक्टिफायर है 30 एम्पेयर का, ब्रिज रेक्टिफायर के बाद आपका फिर वही दो रास्ता है, एक है रिले के थ्रू और एक है PTC थ्रू। PTC तो रिले तो ऑफ रहता है, तो PTC थ्रू जाता है और ये टैंक कैपेसिटर भरता है। ये टैंक कैपेसिटर 470 MFD 250 वोल्ट का 450 वोल्ट का टैंक कैपेसिटर रहता है, सफिशेंट चार्ज इकट्ठा हो जाता है, PTC थ्रू आता है तो भी सफिशेंट चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे 300 वोल्ट, ये यहाँ से 300 वोल्ट यहाँ पे मिल जाता है। 300 वोल्ट एक बार मिल गया, आपका न्यूट्रल लाइन भी मिल गया, SMPS चालू होने को रेडी हो गया। SMPS का चालू होने का कैसा है कि इसमें एक ही सिंगल IC यूज़ किया है, 8-pin IC जैसे दिखता है, छोटा सा MOSFET बेस्ड IC है, पावर IC। इसका लिंक LNK 626 PG नंबर से है। ये IC का कैसा है स्पेसिफिकेशन कि इसके अंदर सब टोटल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बहुत कम है, इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में कुछ नहीं है, खाली ये आपका ये नंबर सर्किट है और ये फीडबैक सर्किट है,
बस और कुछ नहीं है, इससे आपका चालू हो गया, मतलब सब मिनिमम कंपोनेंट्स हो गया है। इस मिनिमम कंपोनेंट्स के चलते बहुत आसान हो गया है डिज़ाइन करना और रिपेयर करने का भी आसान हो गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं 300 वोल्ट आया है ड्रेन पे, ड्रेन मतलब मॉस्फेट का आईसी नंबर 4 पे, पिन नंबर 4 पे आता है जो अंदर का ड्रेन है। ये LNK 626PG का ड्रेन वोल्टेजेस मैक्सिमम 700 वोल्ट का स्पेसिफिकेशन दिया है, जो डाटा शीट मैंने निकाला है उसमें 700 वोल्ट का स्पेसिफिकेशन दिया है। ठीक है, और ये सोर्स जो है 4 पिन 5 6 7 8 सब एक साथ इकट्ठा होके ये सोर्स में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, और इसी के अंदर जो है हम लोग का SMPS में कैसे एक स्टार्टअप वोल्टेज जरूरत रहता है, तो इसमें क्या है, इसके अंदर बिल्ट इन ही स्टार्टअप है। ये जो वोल्टेज आता है यहाँ ड्रेन पे उसी से स्टार्टअप वोल्टेज डेवलप कर लेता है। और इसके IC के अंदर एक इंटरनल 6 वोल्ट का वोल्टेज डेवलप करता है, 6 वोल्ट का डेवलप करता है, और वो 6 वोल्ट डेवलप करता है उसके लिए फिल्टर कैपेसिटर एक बाहर दिया है। ठीक है, ये फिल्टर कैपेसिटर SMD में रहता है बेसिकली। ठीक है, SMD में रहता है और उसके लिए पिन नंबर 2 से फिल्टर कैपेसिटर दिया है, और बाकी एक फीडबैक पिन है, बाकी सब ये IC के अंदर है। ये IC के अंदर आपका PWM ऑसिलेटर है, या ऑसिलेटर बोलिए, इसके अंदर आपका ये क्या बोलते हैं CV कांस्टेंट वोल्टेज, CC कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज, और आपका थर्मल प्रोटेक्शन भी देता है इसके अंदर। तो सब किस्म का सब इसके अंदर प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है, तो ये सब स्पेसिफिकेशन में डाटा शीट में दिया हुआ रहता है। अब IC के अंदर है तो अपने को फिर एक्सटर्नली कुछ समझ नहीं, जैसे इसमें है नहीं, जो भी है IC चलता है जब तक तब तक ठीक है, और कुछ भी हुआ तो ये IC बदलाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आया था जो सेट में, कि ये जो MOSFET है शॉर्ट हो गया था, और ये शॉर्ट हो जाने की वजह से आपका सेट डेड हो गया था। सेट डेड हो जाएगा नेचुरली, ये शॉर्ट होने से क्या है 300 वोल्ट भी शॉर्ट हो जाता है। 300 वोल्ट शॉर्ट हो जाता है मतलब आपका ये फिल्टर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। फिल्टर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया मतलब 24 वोल्ट बंद हो गया, रिले ऑफ है, तो ये PTC गर्म होगा। इसलिए सेट चालू करके अगर PTC गर्म हो रहा है तो ये एक इंडिकेशन है, PTC गर्म होता है इसके ये एक इंडिकेशन है कहीं ना कहीं शॉर्ट है। ये हम लोगों ने देखा है Part 1 में लाइव में, ये करीब सब सर्किट्स करीब सेम ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले ये इसमें IGBT में क्या है, पहले रेक्टिफायर में लाइन देते हैं, उसके बाद आपका ये सेक्शन आता है प्रोटेक्शन सर्किट जो है, और जो MOSFET बेस मशीन में जो है ये जो चीज़ है इसके पहले आता है, बाद में रेक्टिफायर देता है। तो इसमें जो है ये सेक्शन बाद में देता है, और MOSFET में क्या है इससे पहले देता है। तो एक एक डिज़ाइन के ऊपर है सब चीज़ चलता है। आखिरी में PTC तो है प्रोटेक्शन देने के लिए, यहाँ हो या यहाँ पे हो PTC आखिरी में वो शॉर्ट सर्किट होने से ये गर्म होता ही है। तो ये चीज़ है सेफ्टी में दिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ने देखा कि ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये चीज़ हुआ था। तो ये जैसे इसको IC लकीली मिल जाता है मार्केट में, 626PG मिल गया तो उसको रिप्लेस कर दिए, लेकिन इसके साथ साथ और भी एक रेजिस्टेंस, ये एक जल गया था, ये रेजिस्टेंस एक जल गया था, और ये कैपेसिटर एक जला हुआ निकला था, मतलब फायर होके निकला था। अब फायर हो गया मतलब इसका वैल्यू अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, IC तो लगा दिए, लेकिन ये दो चीज़ हम लोगों को चेक करना है। तो डाटा शीट से और कहीं कहीं से पता चल गया कि ये जो पिन नंबर 2 से जो है वो इंटरनल एक 6 वोल्ट जो डेवलप होता है उसको फिल्टर करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक 1 mFd कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट का लगा दिया, वर्किंग वोल्टेज जो भी हो चल जाता है, तो 1 mFd इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा दिए, कोई हर्जा नहीं 1 mFd लगाए तो।
अब रहा ये रेजिस्टेंस के बारे में, अब इस तरफ क्या है कि ये ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 433 मतलब 43K हुआ, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम नहीं, जल गया था, और ये 5.2K है शायद, तो 5.6K है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टडी किया इसका, सर्किट थोड़ा ट्रेस किया तो पता चला कि ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ये 433K है, और ये और एक जो रेजिस्टेंस जो जल गया वो है, उसके बाद ये 5.6K ये ग्राउंड होता है, और उसी के बीच में टैप होके फीडबैक पिन नंबर 1 में जाता है। तो ट्रेस से पता चला और LN और इसका डाटा सीट से पता चला कि एक नंबर पिन आपका फीडबैक है। फीडबैक में अगर ये तो उड़ गया था, लेकिन ये ऑलरेडी वैल्यू हाई था, 43K है और 5.6K, तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये लिंक रेजिस्टेंस को निकाल दिया, जला हुआ था हटा दिया, और इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब शॉर्ट सर्किट हो गया और उसको मैंने चालू किया, ठीक है, चालू किया तो सेट ऑन हो गया, रिले भी ऑन हो गया और ये भी चालू हो गया। लेकिन मैंने क्या किया है, ये जैसे मैंने ये मैंने एक्सटर्नल जो लिंक उसका निकाल के अलग से पावर सप्लाई दिया, ताकि ये हैवी फिल्टर कैपेसिटर उस पर लोड ना जाए, तो मैंने अलग से एक ये सेक्शन जो है, ये जो फिल्टर कैपेसिटर और ये डायोड का सेक्शन मैंने एक्सटर्नल दिया है उसको, लाइन 300 वोल्ट अलग से लाइन दिया फ्यूज लगा के, और मैंने चालू किया तो 24 वोल्ट आ गया, 24 वोल्ट तो नहीं आया, लेकिन वोल्टेज आया मेरे को करीब 25.6 या 7 ऐसा वोल्ट कुछ आया, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो ये वोल्टेज आ रहा था। देखा जाए तो ये भी नॉर्मल है, 25 वोल्ट 24 वोल्ट 25 वोल्ट 26 तक भी चल जाता है, लेकिन मैं फ़ैन ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, मतलब फ़ैन तो 24 वोल्ट में तो बहुत स्पीड से चलता है, उसका RPM भी ज़्यादा रहता है, तो मैंने सोचा थोड़ा उसका वैल्यू 24 वोल्ट को कम करने का कोशिश करते हैं। तो आखिरी में मैंने देखा वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम ज़्यादा किया, तो 5.6K से इसका फीडबैक ज़्यादा होता होगा तो उसका वैल्यू सॉरी फीडबैक कम होता होगा, इसलिए वोल्टेज थोड़ा बढ़ रहा है, तो मैंने और फीडबैक बढ़ा दिया। फीडबैक बढ़ाने के लिए क्या किया, मैंने 5.6 के जगह मैंने पहले एक रेजिस्टेंस लगाया, 6.2K लगाए, सॉरी 6.2K रेजिस्टेंस लगाया, तो फीडबैक बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस 6.2K लगाया। कैसे लगाया, ना ये SMD रेजिस्टेंस निकाल दिया, मैंने SMD रेजिस्टेंस निकाल दिया और उसके जगह 6.2K एक कार्बन रेजिस्टर लगाया। कार्बन रेजिस्टर लगाया तो मेरा वोल्टेज आ गया, लेकिन कुछ 22.2 वोल्ट ऐसा कुछ ऑड आया, 22 वोल्ट के आसपास आया, तो करीब बहुत कम हो गया था। तो फिर मैंने वो दोनों के बीच में 5.6K और 6.2K के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस फिर सेटिंग किया, तो आखिरी में मैंने दो रेजिस्टेंस लगाना पड़ा, एक 3.3K और एक 2.7K, तो ये दोनों मिला के 6K होता था। तो 6K लगाया तो मेरा 24 वोल्ट ऑड कुछ वोल्टेज आया, तो मेरा परफेक्ट आ गया। मैंने ये नहीं किए रहते तो भी चल जाता था, लेकिन थोड़ा वोल्टेजेस में ये मेरे को लग रहा था कि थोड़ा हाई है, इसलिए मैंने थोड़ा फीडबैक को बढ़ा दिया, 6K 5.7 के जगह थोड़ा 6K कर दिया, फीडबैक थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये 25.7 से थोड़ा कम हो गया, 24 के आसपास आ गया। अगर नहीं किए रहते तो भी चल जाता, लेकिन अब मैंने जो किया ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो इसलिए किया कि ये रेजिस्टेंस तो मैंने निकाल दिया है, ये रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू अब मालूम नहीं, फिर दोबारा कोई एक सेट आएगा तब पता चलेगा वो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है। ये 1 MFD
एसएमडी का निकाल के 1 MFD लगाए, 63 वोल्ट का मिला तो वो ही लगा दिए, बाकी चालू हो गया, 24 वोल्ट आ गया। अब ये जो है, ये सिस्टम जो है, ये एसएमपीएस का जो दिया है, ये देखिए, ये यहाँ से 300 वोल्ट से होके ये आपका सेक्शन है, ये सेक्शन है आपका हॉट सेक्शन, मतलब प्राइमरी साइड का सेक्शन है। और ये देखिए, आउटपुट से कोई लिंक नहीं है फीडबैक का, नहीं तो हम लोग का क्या है, एक लिंक रहता है, एक वो TL431 और एक क्या कहते हैं ऑप्टोकपलर, वो सब का अरेंजमेंट रह के फीडबैक रहता है। इसमें फीडबैक बाहर से कुछ नहीं है, बाहर से रेगुलेटेड है, सेल्फ रेगुलेट, इसलिए हम इसको सेल्फ रेगुलेटिंग SMPS बोलते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग SMPS मतलब आउटपुट से कोई लिंक नहीं है, जो भी है इसी के अंदर ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ही फीडबैक आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इजी, बहुत इजी है, IC रहने से एक्सप्लेनेशन भी इजी है, समझने में भी इजी है, नहीं तो MOSFET बेस्ड SMPS को थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, हम लोगों को भी समझना डिफिकल्ट है, समझाने में भी डिफिकल्ट है। IC का रहे तो बहुत आसान है, जो भी है IC के ऊपर ही अंदर ही रहता है। ठीक है, और तो कुछ इसमें बताने जैसा नहीं है। ये आउटपुट में देखिए, 24 वोल्ट में सिंगल डायोड दिया है, और जनरली आउटपुट में क्या है, खाली एक जगह पे कहीं यूज होता है, नहीं तो DC फैन को जनरली लाइन जाता है 24 वोल्ट, और ये 15 वोल्ट जो है फिल्टर कैपेसिटर, वो जनरली सब सर्किट में जाता है, जितना भी आपका अंदर कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल बोर्ड है, ड्राइवर सर्किट है, वो सबको 15 वोल्ट जाता है, 24 वोल्ट मेजर में खाली एक फैन को जाता है, बाकी एक आध जगह पे 24 वोल्ट जाता है। इसके बाद जो है 15 वोल्ट से फिर आपका एक 5 वोल्ट भी रेगुलेटर लगता है अंदर, 5 वोल्ट एक बनता है 7805 लगा के, तो वो 5 वोल्ट जाता है आपका डिस्प्ले को। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है सर्किट से, ये सब SMD में होने की वजह से बहुत कॉम्पैक्ट दिखता है, करीब कुछ दिखता नहीं है, और ऐसे ही है सब। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे मैंने दिखाया कि MOSFET बेस में दिखा दिए कि 24 वोल्ट में 24 वोल्ट का फैन है, लेकिन MOSFET बेस वेल्डिंग मशीन में 220 वोल्ट का AC फैन देते हैं, IGBT में वो DC फैन 24 वोल्ट में देते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग का होने की वजह से काम बहुत आसान हो जाता है, और ये बेसिक तो बहुत कॉमन है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। स्नबर सर्किट्स में जैसे दिया है 33K करीब 100K हो गया, और 100K सिंगल देने के बदले 3 SMD रेजिस्टेंस दिया है। इसमें और एक क्या चीज़ रह गया है कि मैंने बताया, जैसे आप देखें इसका पहले का वीडियो में, वो SMPS के पास ट्रांसफॉर्मर के पास एक गूंद दिया हुआ है, तो वो क्या है, ये 3.3K और 2.7K रेजिस्टेंस है, दोनों कार्बन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो SMD से तो काफ़ी बड़ा दिखता है ये कार्बन रेजिस्टर, अब वो दो कार्बन रेजिस्टर को सीरीज किया हुआ है, और एक को ग्राउंड में दिया और एक यहाँ पे दिया है, दूसरा है 1 MFD एक भी, वो भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, तो ये तीनों कंपोनेंट पास पास में ही है, तो वो दोनों को पास में रख के एक गूंद दे दिया हूँ, ताकि वो एक दूसरे को पकड़ में रहे, नहीं तो वाइब्रेशन होता है वेल्डिंग मशीन में कभी, तो उससे लूज हो जाता है कॉम्पोनेंट्स, इसलिए वो कंपोनेंट्स आपको दिखता नहीं है उसमें, यही है बस फर्क। थैंक यू।